जब भी डिस्कशंस होती है ना क्रॉसओवर्स के ऊपर, स्पेशली टूसॉन और स्पोर्टेज को लेकर, तो ये एक बड़ी कॉमन डिस्कशन होती है कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। द फैक्ट इज कि ये दोनों गाड़ियां जो हैं ये ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल नहीं है बट ट्विन्स हैं। ह्यूंडई एंड किया कह सकते हैं कि सिस्टर कंसर्न्स हैं, और इन दोनों गाड़ियों को अगर आप पील ऑफ कर देंगे अंडरनीथ, ये दोनों गाड़ियां सेम है एग्जैक्टली। यहाँ तक के दोनों का इंजन एग्जैक्ट सेम है, दोनों के मैकेनिकल पार्ट, सस्पेंशन, काफ़ी कुछ जोन सा है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। एक दो चीज़ें जो हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो इसमें ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आज हम दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, हमने दोनों का इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, आपको टॉप राइट बैनर पे जो लिंक्स हैं उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। बट आज हम दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। सवेयर्स, अभी हम हुंडई टूसॉन में हैं और अभी हम इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ड्राइव भी विद द किया स्पोर्टेज। जो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आज हम कंपैरिजन करेंगे वो भी हम लिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसमें स्पेक्स एंड फीचर्स होंगे। ऑल दो बहुत सिमिलर गाड़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, कुछ फोटेज में ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस तो वैसे दोनों की सेम है, तो इस वजह से उस पर इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दिस ऑल्सो इंक्लूड्स दी फ्यूल एवरेज, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी का वेट भी वही है, इंजन भी वही है, तो इतना ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन होगी नहीं। और राइड कम्फर्ट में अलबत्ता हम डेफिनेटली इस पर डिटेल में भी जाके बात करेंगे। और प्रैक्टिकलिटी वाइज अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सिमिलर। और जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं अलबत्ता उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। इन दोनों की मेंटेनेंस का भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे और एंड पे हम फिर अपना फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। इंजन स्पेक्स वगैरह की अगर आप बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम है, अलबत्ता फीचर्स में थोड़ा सा फ़र्क है। स्पोर्टेज में जो दो चीज़ें बड़ी मेजर प्लस हैं, उनमें से पहली चीज़ ये कि स्पोर्टेज का जो हेड यूनिट है वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इनेबल्ड है, जो कि मेरे ख्याल से आजकल के टाइम के हिसाब से एटलीस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके अंदर जो यूनिट है वो एक नॉर्मल एंड्रॉयड टैब टाइप चीज़ है। ये इफ़ यू आस्क मी टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा मैं इसे लेट डाउन हूँ, बिकॉज इस तरह के जो यूनिट्स हैं ये बहुत से आफ्टर मार्केट यूनिट्स जो उनसे हैं आपको हर गाड़ी के मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्पोर्टेज का। स्पोर्टेज के अंदर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, अभी हम सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स नहीं है। डायनामिक गाइडलाइंस दोनों गाड़ियों के अंदर हैं, जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको वो हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा जो चीजें टूसॉन में एडिशनल है वो शाहिल क्या क्या एडिशनल है इसमें? अब इसमें जो मैंने चीजें नोटिस की हैं अभी तक, सबसे पहले तो ये कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव टूसॉन है हमारे पास, उसमें आपको जो ड्राइवर सीट है वो फुली इलेक्ट्रिक मिलती है, उसकी एडजस्टमेंट आप कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक वे में कर सकते हैं। जबकि जो स्पोर्टेज है फ्रंट व्हील ड्राइव, उसमें सिर्फ आप लंबर सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग दी बटन, बाकी एडजस्टमेंट सारी उसमें मैनुअली है। अच्छा, फिर एक और जो इसमें एडिशनल फीचर है वो ये कि इसका जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर एक एसी के साथ चलता हुआ फैन मिलता है, जिसे आप मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू फॉर्चुनर जो हमने अभी देखी है करंट जनरेशन में, उसे कूल बॉक्स कहा जाता है। अब ये चीज़ मिसिंग है स्पोर्टेज में, जबकि ये टूसॉन में अवेलेबल है। फिर अभी वैसे ड्राइव तो आप करें, लेकिन मुझे बीइंग अ पैसेंजर भी नज़र आ रहा है कि इसका ये जो रेयर व्यू मिरर है इसमें आपको कंपस दिया जाता है। अब इसकी जो यूजेबिलिटी है, वी कुड आर्ग्यू के मतलब बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं करते, लेकिन चलें एटलीस्ट इसमें है और स्पोर्टेज में वो चीज़ नहीं है यार। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी यूज़ तो क्या, मुझे थोड़ा सा ये बताओ। अच्छा चलो, अगर तो ये ऑफ रोडर है, आप मे बी डेजर्ट लेके गए हैं इसको, फिर भी थोड़ी सी समझ आती है कि आपने रात को सितारे देखने की बजाय यहाँ से देख लिया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट ये गाड़ी जो सी है मोस्टली अर्बन कम्यूट के लिए यूज होगी, सो आई थिंक मोर ऑफ अ गिमिक। वो जो इसका एच ट्रैक वेरिएंट है विच इज़ दी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, शायद वो उसको इन्होंने ये फीचर देना ज़्यादा उसमें ज़रूरी था, लेकिन ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है तो इसमें भी दे दिए तो जाने देते हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है, जबकि स्पोर्टेज के किसी भी वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता। लास्टली एक और जो इसमें बहुत इंप्रेसिव फीचर है वो ये कि आपको टूसॉन में डायनामिक हेडलाइट्स दी जाती हैं, जो इसेंशली काम इस तरह करती हैं कि जैसे ही आप स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो उसमें इसकी हेडलाइट में एक हाउसिंग मौजूद है जो कि लाइट अप करती है वो पर्टिकुलर साइड ऑफ द रोड। तो ये स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग जो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है गाड़ी को टर्न करते हुए, वो इस ब्लाइंड स्पॉट को ख़त्म करती है। और अब आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एंड फीचर्स, कुछ जो दो स्पोर्टेज में ज़्यादा हैं, बाकी जो टूसॉन में ज़्यादा हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब हम डिस्कशन करेंगे इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स की। उसमें जो मुझे ओवरऑल फील लगी है
पहली चीज़ है कि अगर आपने ह्यूंडई की रीसेंट कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में चलाई है तो आपको बिल्कुल यही महसूस होगा कि यू आर एट होम। इसका ओवरऑल लेआउट जो है, फिर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एवरी थिंग इज़ वेरी सिमिलर टू लेट्स से इलांट्रा। उसका भी बाय द वे हमने रिव्यू किया हुआ है और वो आप चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट बैनर। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्पेसिफिकली देखूँ तो एक चीज़ मुझे इसमें जो मिसिंग लग रही है वो ये कि ऑब्वियसली जो पावर डिलीवरी है टू ऑल फोर व्हील्स वो इसमें आपको शो नहीं होता, उसकी इंडिकेशन सिर्फ इसके ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट में ही आती है। अब अली, सिंस आप ड्राइव करें, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कैसा एक्सपीरियंस है। यार सबसे जो पहली चीज़ है ना वो इसका ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो ऑटो अप भी होती है और डाउन भी होती है। आपने चूंकि इलांट्रा की बात की थी, मैंने कहा जरा क्लैरिफाई कर दूं कि इलांट्रा के अंदर आपको पता है ऑटो अप नहीं था, वेरियस के अंदर ऑटो अप भी है। ड्राइविंग डायनामिक जो उनसे इसके और स्पोर्टेज के, वो कहते ना कि जी 19-20 का फर्क है, वो 19-20 भी नहीं, मेरा ख्याल है उसको 19.5 और 20 भी कह लूँ, ये 19.5 और 20 भी कह लूँ तो काफ़ी सेफ होगा। थोड़ी सी हल्की सी इसकी राइड मुझे हार्श लग रही है, आई डोंट नो क्या चक्कर है। हालांकि दोनों में टायर जो हैं एग्जैक्टली सेम है, कोमो के टायर हैं, टायर के स्पेक सेम है, टायर का साइज, रिम, ऑफसेट, विड्थ सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब फिर हम क्यों ना स्पोर्टेज को थोड़ा सा ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं और हमें एक डायरेक्ट कंपैरिजन मिल जाएगा दोनों के कंफर्ट लेवल का। लेट्स कंपेयर दैट और अब स्पोर्टेज में शिफ्ट होते हैं। सो व्यूअर्स, अब हमने स्पोर्टेज पे स्विच किया है तो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। बात हम कर रहे थे राइड कंफर्ट की और उसमें मैंने इसीलिए कहा था कि हम स्पोर्टेज में बैठते हैं क्योंकि आप नोट करो कि स्पोर्टेज में बैठते साथ ही जो सबसे पहली चीज़ मुझे डिफरेंट लगी है, इसकी सीट्स टूसॉन से बेहतर है। अच्छा, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो बहुत जो वाजे है वो तो ये है कि यहाँ पे जो आपके पास सेंटर स्क्रीन है ये इसकी बहुत बेहतर तरीके से इंटीग्रेट हुई हुई है, तो आपको फील नहीं होता कि कोई हिंड्रेंस है आपके व्यू में। जबकि टूसॉन में जब आप बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा ही लगते हैं जैसे छोटा बिलबोर्ड लगा हुआ है आपके सामने। अच्छा यार, उस बिलबोर्ड के अलावा वैसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो टूसॉन के अंदर जब हम बैठे हुए थे तो थोड़ी सी उसके ना डैशबोर्ड के अंदर एक बिजीनेस थी, एक थोड़ी सी उसकी वजह से एक क्रैम्प फील भी आ रही थी। इसके अंदर एक ओपननेस थोड़ी उस तरह से फील हो रही है कि डैशबोर्ड का व्यू मिनिमलिस्टिक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यही चीज़ जब आप पिक्चर्स में देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार स्पोर्टेज का जो डैशबोर्ड है ब्लैंड है, ब्लैंक है, सादा है, लेकिन जब फिजिकली आप दोनों गाड़ियों को एक्सपीरियंस करते हैं तो इसकी इंटीरियर की फील मुझे उससे थोड़ी सी बेहतर लग रही है। और स्पेशली उसके अंदर जो स्टेयरिंग व्हील है बड़ा वो अजीब सी शेप है उसकी, मज़ेदार नहीं है। इवन ये जो कॉन्सोल एरिया है, गेयर एरिया, इसका ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। बिल्कुल हाँ, लेकिन जो एक चीज़ इसकी थोड़ी सी लेट डाउन करती है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें खाली आपको मोनोक्रोम स्क्रीन दी जाती है जो बहुत बेसिक किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है, जबकि जो टूसॉन है उसमें आपको एक डिजिटल LCD मिलती है। हाँ, क्लस्टर उस गाड़ी का डेफिनेटली इससे बेहतर लग रहा था क्योंकि उसके अंदर वैसे भी एक तो कलर ज्यादा है उसकी वजह से वो बेहतर लगता है, दूसरा उसका साइज भी इससे बड़ा है थोड़ा सा। क्लाइमेट कंट्रोल था उसका, एक डिजिटल डिस्प्ले नीचे था, सिंपल LED डिजिटल डिस्प्ले जो था वो बटन्स के साथ था, वेयरएज इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसके यूनिट के ऊपर आ रही है, जो टेम्परेचर की है। क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर डुअल जोन है, स्टैंडर्ड है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड है, रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड है। ये तो खैर पैनोरामिक रूफ तो है ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड इस गाड़ी में एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस की फील उसके मुकाबले में ज्यादा है। आई डोंट नो प्योरली बिकॉज ऑफ द सीट्स है या मे बी, मुझे लगता नहीं है सस्पेंशन में इतना फर्क होगा, इतनी टेक्निकल डिटेल्स हमने चेक नहीं की, बट इसकी फील थोड़ी सी सॉफ्ट है उसके मुकाबले। और अगर आप लोगों को पता है कि कोई इसका स्पेसिफिक रीजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम लोगों को भी इसका आइडिया हो। अच्छा, एज अ ड्राइवर एक डिफरेंस जो मुझे अभी फील हो रहा है, टूसॉन का जो ब्रेक पैडल का रिस्पॉन्स है जिसको आप ब्रेक बाइट कहते हैं वो स्पोर्टेज से थोड़ा सा बेहतर है। स्पोर्टेज का जो पैडल है हल्का सा रिलेटिवली मुझे सॉफ्ट लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे ओनर जो उनसे हैं शुरू में कंप्लेंट करते हैं स्पेशली कि स्पोर्टेज की ब्रेक जो है वो वीक है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, स्पोर्टेज की ब्रेक्स बिल्कुल ठीक है। मैंने भी जब शुरू में स्पोर्टेज चलाई एक दो दफा तो मुझे भी लगा ब्रेक्स वीक है, बट देन आई रियलाइज के सिर्फ और सिर्फ इसका जो पैडल का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्टली एडिक्वेट। पैडल इसका जो सा है वो थोड़ा सा नीचे जाके लगता है। परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है, फ्यूल एवरेज दोनों गाड़ियों की सेम है। एक क्वेश्चन जो कि मुझे पहले भी समझ नहीं आता था और आज तो मुझे खैर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा दोनों गाड़ियां चलाने के बाद, वो ये है कि एवर सिंस द स्टार्ट, हमेशा से आज तक गाड़ियों की रिगार्डलेस प्राइसेस ऊपर गई नीचे गई, खैर ऊपर ही गई हैं, ज़्यादा नीचे तो ना होने के बराबर ही आई हैं,
हमेशा से टूसॉन की जो प्राइस है वो रिस्पेक्टिव स्पोर्टेज का जो भी वेरिएंट है उसके मुकाबले में प्लस रही है, और वो जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख का है। मेरी समझ से बाहर है कि ये डिफरेंस क्यों है, इसकी क्या वजह है। हालांकि दोनों गाड़ियां जो हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, किया एंड ह्यूंडई आउट ऑफ पाकिस्तान दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, इन दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली सेम है, सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है, दे आर ट्विन्स, सिर्फ जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो एस्थेटिक्स का है। तो ऐसी क्या बात है कि उसकी प्राइस इससे 2 लाख ज़्यादा है? शायद निषाद ग्रुप जोन सा है वो दे थिंक टूसॉन इज सुपीरियर देन स्पोर्टेज, ये रीज़न हो सकती है। अगर कोई और रीज़न है, आप लोगों को उसका आइडिया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज मेरे लिए तो इट्स ऑनेस्टली हार्ड टू ग्रैस्प के ये डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर। अच्छा, एक और भी जो पॉइंट है, आई थिंक जो भी गाड़ी ये लेना चाह रहा होगा वो ये ज़रूर कंसिडर करेंगे कि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस कैसी है। तो अगेन है तो बहुत ही सिमिलर, किया और ह्यूंडई दोनों ही बाउंड करते हैं कि आपने एवरी 3 मंथ्स गाड़ी को चेकअप के लिए लेके जाना है, एंड वो उसमें रेगुलर मेंटेनेंस यानी कि ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर भी उसका तब्दील करते हैं। तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है जो बेयर करनी पड़ती है। हमने इससे पहले भी कुछ रिव्यूज़ किए हैं और उनमें भी इस बात का जिक्र किया है। तो अगर आप अपनी वारंटी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, विच इज़ बाय द वे फॉर 4 ईयर्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से कस्टमर को इन्होंने थोड़ा सा उससे पैसे ज़्यादा बनाने के लिए 3 महीने वाली जो एक मेंटेनेंस का स्केड्यूल है वो बनाया हुआ है। और अगर आप कैलकुलेशन करें ऑन एन एवरेज, लेट से 3 महीने में 1500 या 2000 किलोमीटर चलती है, और मैं अगर कंपनी से मेंटेनेंस करवाता हूँ हर 3 महीने बाद और मैं उसका एक कॉस्ट एनालिसिस करता हूँ इन एन ओनरशिप ऑफ 4 ईयर्स, मेरे लिए एट पार ये उस सूरत में आता है कि गॉड फॉरबिड मेरी गाड़ी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जिसके वारंटी क्लेम पे मुझे 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा करना पड़े, तो फिर जाके ये कॉस्ट पूरी होती है। अगर 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, ये जैसे कुछ बहुत अच्छे सिंथेटिक ऑयल्स हैं आप वो यूज़ कर रहे हैं, आप इवन 6 महीने बाद भी करवाते हैं आइडियली वैसे सिंथेटिक ऑयल्स, 9 महीने 1 साल तो इनको कुछ भी नहीं होता। आप अगर रेगुलर 5000 माइलेज के बाद ऑयल चेंज कराते हैं, आप लेट से आप डिसाइड करते हैं कि मैंने वारंटी फॉरगो कर देनी है अपनी, तो आपके ये 2.5 से 3 लाख रुपए जो होते हैं ये आपकी कॉस्ट सेविंग है। सो अगेन ये आप डिसाइड कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि शुरू का कुछ अर्सा 6 महीने 1 साल आप इसको ज़रूर फॉलो करें, अपनी गाड़ी की वारंटी को इंटैक्ट रखें। उसके बाद अगर आपने वारंटी को फॉरगो करना है बेशक कर दें, वैसे मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों इस तरह का एटीट्यूड है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अगर बजट आपको इजाज़त देता है तो हम बिल्कुल भी ये रिकमेंड एज सच नहीं करें कि आप वारंटी से बाहर निकल जाएं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो एनीवे अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ आते हैं, और जो मेन क्वेश्चन है जो लोग जानना चाहते हैं और हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं वो ये कि भाई ईदर किया स्पोर्टेज और ह्यूंडई टूसॉन इनमें से कौन सी लेनी चाहिए। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस। अगर आपको इसकी शेप पसंद है, लेट्स से टूसॉन की ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स फाइन। अगर आपको स्पोर्टेज ज़्यादा समझ आती है इंटीरियर एक्सटीरियर में तो आप ये ले सकते हैं। और एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो आई थिंक अवेलेबिलिटी भी होता है। अब ऑब्वियसली हमने तो हमेशा से ही डिस्करेज किया है कि आप गाड़ी ऑन पे ना खरीदें, तो ये ज़रूर देखेंगे कौन सी कंपनी आपको कितना बुकिंग टाइम दे रही है। सो इन केस ऑफ ह्यूंडई टूसॉन, वो तो अभी रिसेंटली अपनी गाड़ियों की ह्यूंडई ऑल अक्रॉस जो भी उनकी गाड़ियाँ हैं वो लेस देन अ मंथ में डिलीवर कर रहे हैं। वैसे आपको अगर ये गाड़ी जल्दी मिलती है इनमें से कोई भी, आई वुड रिकमेंड यार ले लो, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आई थिंक आप दोनों में ही सेटिस्फाइड होंगे। वेल, मेरी जहाँ तक ओपिनियन है तो मेरी थोड़ी सी पर्सनल इंक्लिनेशन जो सी है वो स्पोर्टेज की तरफ ज़्यादा है, मेनली बिकॉज इसका थोड़ा सा जो कंफर्ट लेवल है मुझे उससे बेहतर लगे। और सेकेंडली, अगर तो आपको 2 लाख रुपया जो उनसा है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लगती है आपकी, उसमें इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बाय द वे कवर हो जाती है, तो बाय ऑल मींस ओवरऑल पैकेज आई थिंक स्पोर्टेज इज स्लाइटली बेटर। और रही जहाँ तक बात शेप की, जैसे शाहिल ने कहा है कि टोटली पर्सनल प्रेफरेंस है, कुछ लोगों को टूसॉन बेहतर लगेगी, कुछ को स्पोर्टेज बेहतर लगेगी। मुझे स्पोर्टेज की जो शेप है ओवरऑल वो एज ए डिज़ाइन थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। टूसॉन इज स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल कार, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई वाइल्ड किस्म के डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं है। स्पोर्टेज के अंदर वो थोड़ा सा एक फैक्टर है एट द एंड। बाकी में आपको जो जल्दी मिलती है आप दोनों में से वो ले लें, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। या फिर आप पर्चियां डाल लें और पर्चियां निकाल के फैसला कर लें। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा कंपैरिजन ह्यूंडई टूसॉन और किया स्पोर्टेज का। आई थिंक हम लोगों ने आपकी ये जो क्वेरी है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं उसे अब आंसर कर दिया होगा। तो अपनी भी राय हमसे शेयर करें इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।